एवरीबॉडी, सो आज हम लोग बनाएंगे मेथी के साग, मेथी का साग विथ लहसुन एंड आलू। सो ये रेसिपी मैंने किसी से सीखी नहीं है, बट ये मेरी खुद की रेसिपी है और मुझे लगा कि लेट्स शेयर कि आप लोगों को कैसे पसंद आती है, बिकॉज ये रेसिपी बेसिकली माय हस्बैंड लव दिस रेसिपी। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मेथी को अच्छे से काट के धो के रेडी कर देंगे तो, और थोड़ा पानी झड़ने के लिए भी रख देंगे। सो मेथी को कम से कम ऐसे ही काटिएगा जैसे हम लोग नॉर्मल मेथी काटते हैं। मेथी जब हम लेंगे, ये सीजनल मेथी है, तो मेथी के बड़े बड़े जो लीव्स हैं वो ना लें, जो बिल्कुल छोटे से लीव्स हैं आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेंगे अगर हम लेंगे तो। तो बेसिकली मैंने वो लिया है एंड मैंने 3 ऐसे मीडियम साइज पोटैटो लिए हैं एंड उनको हम क्यूब्स में काटेंगे। एंड फर्स्ट थिंग विल डू इज तेल में, ये बनेगा नॉर्मल सादे तेल में। ये यूजुअली हम लोग सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग, तो मैं नॉर्मल वाइट तेल में ही इस चीज़ को बना रही हूँ। और तड़के में जाएगा लहसुन और हरी मिर्च, दैट्स इट। तो मैं पहले पूरा इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे एंड देन वी विल जस्ट सी कि पैन में क्या हो रहा है। सो पहले चॉपिंग कर लेते हैं एंड देन वी विल कम। फर्स्ट थिंग, मैंने थोड़ी राई ली है। तो जिनको नहीं पता राई क्या होता है, तो आई थिंक मैंने एक फुल टेबल स्पून राई की ऑलरेडी डाल दी है। देन लहसुन की जो कलियाँ हैं वो फाइनली चॉप करके मैंने डाला हुआ है एंड देन स्मॉल पोटैटोज। सो ये 3 अभी एज ऑफ नाउ मैंने डाला हुआ है और इसको मैं अच्छे से टिल गोल्डन ब्राउन, आई नीड टू फ्राई दिस। तो आफ्टर अ लिटिल व्हाइल विल ऐड सॉल्ट, थोड़े ग्रीन चिलीज मैंने ऐड किए हैं एंड उसके बाद वी विल ऐड फाइनली लास्ट द मेथी। इसमें नमक, लिटिल हल्दी एंड लिटिल लाल मिर्च पाउडर, हाउ मच एज पर द टेस्ट एंड दैट्स इट। और कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़रूरत नहीं है। लेट दिस गेट सॉटेड एंड देन इसके ऊपर जो मेथी जो हमने धो के रखे हैं हम उसको डाल देंगे। वी लेट दिस द पोटैटो कुक प्रॉपरली एंड दैट्स इट। सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक रेसिपी ऑफ मेथी। ये जो मेथी है इसको मैंने जो धो के रखे हुए हैं वो जस्ट इसमें मैं डाल दूँगी। सो लेट्स सी कैसे बनता है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मिक्स एंड मैच रेसिपी है, कुछ थोड़ा मेरा आइडिया है, थोड़ा आई हैव टेकन फ्रॉम समवेयर आई हैव ईटन। सो उसके साथ द बेस्ट थिंग टू सर्व आलू मेथी इज डेफिनेटली पराठे और रोटी। सो टुडे आई विल गो विद द रोटी। सो लेट्स पुट अ डाव एंड मेक रोटी एंड लेट दिस शिमर फॉर अ लिटिल व्हाइल। सो आफ्टर सॉटे फॉर 2 to 3 minutes, सो 2-3 मिनट तक मेक श्योर कि आलू थोड़ा पक जाए। सो ये पक चुका है तो अच्छा खासा लो फ्लेम में सॉटे। ऐड सम टोमेटो, मैंने थोड़ा टोमेटो ऐड किया है फॉर द फ्लेवर। तो ये बिल्कुल लो फ्लेवर में मैंने किया है, तो दिस इज़ व्हाट द कोर ग्रेवी। नाउ अभी बहुत सूखी सब्जी बनेगी, अभी जो ये मेथी मैंने डाला है ये मैं बस डाल दूँगी ना। जो लोग नया कुकिंग सीख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि मेथी कैसे डालने से वो होगा कैसे, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैंने भी पहली बार सीखा था बनाना, सो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके जब इसको ढक देते हैं कंप्लीट, तो लीव्स भी काफ़ी हद तक पानी अपना छोड़ती है, सो इट विल गेट कम्प्लीटली कुक्ड अप। सो मेक द फ्लेम अ लिटिल लो, थोड़ा बहुत इसको हिलाते जाइए, जो नीचे के मसाले हैं उसको ऊपर करिए, वॉट एवर द स्पाइसेज आर लेफ्ट डाउन वी हैव टू पुट इट अपवर्ड्स टू मेक श्योर दैट द लीव्स ऑल्सो गेट द हीट। सो आई एम जस्ट गोना डू दिस, वॉट एवर इज रिमेनिंग इन द बास्केट आई एम जस्ट गोना पुट दिस बैक
so everything is like sorted. Now last is one thing that I'm gonna do is थोड़ा धनिया, उसके बाद हम लोग देंगे. तो first let this cook and settle down. इसके बाद थोड़ा इसको we will cover this with lid. This lid is small, so we will take a different lid over all, and we are just gonna cover it with the lid. Let the flame has to be low. So by that time, I have my dough ready. So I will start cooking the chapatis. Finally, the dish is ready. The bhaji after breakdown will turn like this. So everything should be properly cooked and it can be served with chapati. So I successfully completed the methi and the roti, and let's have it. Do try this recipe at home and let me know how it turned out to be. And if you like, please take a moment to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you and take a good care of yourself. Thank you so much for watching. Do take a moment to follow me on Instagram and Facebook. Do make sure that you have subscribed to my channel and also hit the like button for more such updates. And that's pretty much. I will see you very soon with yet another video.